स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस एवं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी और तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस बारे में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा कि आज पूरा भारत राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है गोरखपुर में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है और खेल जगत में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 5 सालों में इस गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि कोई भी युवा खेल जगत में जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वह स्वस्थ नहीं रहेगा। स्वस्थ रहने के लिए भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए खेल जरूरी है। अगर युवा मन से खेल जगत में भाग लेगा तो इस सरकार में उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी भी पक्की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भजन सम्राट नंदू मिश्रा, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर एवं ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, ताली बजाते रहो, अपना नाम बोलते रहो। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। पैर नहीं छोड़ बेटा, हाथ ताली बजाते रहिए सब लोग। आप क्या करो, इसका नाम बोल जा रहा है तानवीर है। Thank you.
व्यक्ति करो सभी लोग ऐसा है आज यहाँ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में खेल दिवस मनाया जा रहा है मेजर ध्यानचंद जी की याद में। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने खेल को इतना बढ़ावा दिया है कि बच्चों में जो जागृति आई है अब खेल के प्रति वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी की देन है। और हम लोग इसी के तत्वावधान में तैराकी करा रहे हैं प्रतियोगिता छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक का इन सबों के उत्साहवर्धन के लिए खेल दिवस में आज़ादी के अमृत महोत्सव के फलस्वरूप हम लोग ये प्रतियोगिता करा रहे हैं। और ये दूर दूर से बच्चे आए हैं इनके बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास के लिए तैराकी सबसे उच्च कोट की मानी गई है खेल जिसमें एक एक रोएं का भी एक्सरसाइज होता है। मैं इसको बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि तैराकी सिर्फ एक ऐसा खेल है जिसको इंसान को सिखाना पड़ता है। नहीं छोटे छोटे जानवर भी अगर आप पानी में फेंक दें छोटे चूहे बच्चे को भी पानी में फेंक के तैरने लगता है लेकिन इंसान ही है जो इसे सिखाना पड़ता है। और तैराकी ऐसा खेल है जिससे रोएं रोएं का एक्सरसाइज होता है, इससे बड़ा एक्सरसाइज कोई है नहीं। और ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे जिनके माता पिता भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब गोरखपुर की ये तरक्की हो रही है तैराकी जगत में फिर से। 1960 में मेरे परम पूज्य पिताजी आए थे तैराकी यहाँ पर, उन्होंने शुरू किया था मेरे परम पूज्य पिताजी पंडित श्री राम जी मिश्र जी ने। फिर मेरे बड़े भाई अरुण कुमार मिश्रा अजय कुमार मिश्रा जो सभी लोग हम लोग सब लोग इंटरनेशनल तैराक रहे, चौथी पीढ़ी हमारी अंजनी कुमार मिश्रा की, यहाँ बहुत से तैराक हैं संतोष हैं और बहुत से लोग हैं, यहाँ संध्या है, सभी बच्चे लगे हुए हैं तैराकी को उन्नति के लिए। और आज हमारा ये मेहनत सफल होगा ये मेरा परम विश्वास है। 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है और हर ज़िले में हॉकी का एक कॉम्पिटिशन बच्चों का किया जाता है क्योंकि आज दादा ध्यानचंद जी की जन्मदिवस है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि दादा ध्यानचंद जी जो एक बहुत बड़े हॉकी के विजर्ड थे और बहुत बड़े महान खिलाड़ी थे तो उनके याद में आज ये हॉकी का कंपटीशन हर ज़िले में होता है, यहाँ भी हो रहा है रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर में। इसके साथ ही साथ स्विमिंग का भी कंपटीशन हो रहा है और कुश्ती का भी चल रहा है।
इन ये सभी कॉम्पिटिशन जो हैं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हैं, एक खेल कल्चर और एक खेल संस्कृति को डेवलप करने के लिए यहाँ किए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें आए भाग ले रहे हैं, जो बच्चे इसमें विनर्स होंगे रनर्स होंगे उनको सभी को पुरस्कार खेल विभाग द्वारा दिए जाएंगे। एक आज का जो दिन है विशेष रूप से फिट इंडिया के रूप में भी मनाया जाता है, ये 2019 में फिट इंडिया के रूप में घोषित किया गया था और पूरे जितने भारत में रहने वाले लोग हैं एक मैसेज है कि सब लोग फिट रहें ताकि उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाए और वो एक जब स्वयं फिट होंगे जिस जॉब पे होंगे वो अपना काम अच्छे से करेंगे और अल्टीमेटली जो है हमारा जो ये राष्ट्र है वो आर्थिक रूप से और हर रूप से संपन्न होगा। तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और खेल दिवस के अवसर पर मैं सारे खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। आज यहाँ रीजनल स्टेडियम में स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी की याद में उनके जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर हॉकी का आयोजन किया गया था, यहाँ पर कुश्ती भी हुई है तहसील स्तरीय, तो उसी में हम लोग यहाँ पुरस्कार वितरण के इस कार्यक्रम में आए थे। क्योंकि ध्यानचंद जी को कोई भूल नहीं सकता और आज खेल दिवस है, पूरा भारतवर्ष आज खेल दिवस मना रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में जिस हिसाब से विकास हो रहा है, चाहे आप स्वास्थ्य को शिक्षा को चाहे खेल के क्षेत्र में, अब लग रहा है कि वाकई में हम एक स्वतंत्र भारत देश के नागरिक हैं। हर क्षेत्र में योगी जी आप देख रहे हैं जहाँ यहाँ पर कूड़े कचड़े पड़े रहते थे, लेकिन पूज्य महाराज जी ने जब से सत्ता संभाली है गोरखपुर में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, उसी में इस क्षेत्रीय क्रीड़ांगन का भी परिवर्तन हुआ है। अभी हाल में इस पर कुछ पैसा जीर्णोद्धार के लिए भी स्वीकृत हुआ जिसका काम चल रहा है, तो निश्चित है आगे 4-4.5 साल और है गोरखपुर में और भी बहुत से विकास के कार्य हो जाएंगे और खेल जगत में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हमको लगता है कि इस 5 सालों में गोरखपुर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी मिलने वाला है। खेल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित है हमारे युवा साथी जब तक आप किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो स्वस्थ रहने के लिए भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए अपने माता पिता का क्षेत्र का जिले का सम्मान बढ़ाने के लिए खेल के किसी न किसी आयोजन में आप भाग लेते रहें, चाहे कुश्ती हो कबड्डी हो क्रिकेट हो वॉलीबॉल हो फुटबॉल हो बास्केटबॉल हो, तो निश्चित है वो युवा अगर मन से काम करेगा तो इस सरकार जो चल रही वर्तमान में उनको आगे चल के उनकी नौकरी भी पक्की है। जिस तरह से नकल विहीन परीक्षा हो रही है और योगी जी के नेतृत्व में आप देखें पूरे प्रदेश में कहीं भी आज के डेट में नौकरी में भ्रष्टाचार नहीं है, ईमानदारी से लड़कों को नौकरी मिल रही है, तो निश्चित है इन नौजवानों का भी भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है।